अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में? मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ दाल फ्राई या चने की दाल भुनी हुई, आप जो भी कहते हो, लेकिन ये भुनी हुई दाल हम लोग तो उसे कहते हैं चने की भुनी हुई दाल। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैंने 1.5 कप दाल ले ली थी चने की, और जो है ना इसको मैंने 2 घंटे से सोक किया हुआ है। ये 1.5 कप है चने की दाल सोक की हुई, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके अलावा ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून। 3 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, जो कि मोटी मोटी काटी हैं। 2 और 1 मुट्ठी कह लें धनिया गार्निशिंग के लिए। जूलियन कट अदरक है, अदरक चाहें तो आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि ये बादी होती है। अच्छा, तो इसमें 1 टेबल स्पून है लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 पिंच है कलवंजी। अच्छा, तो ये आप देख रहे होंगे कि गरम मसाला बिल्कुल अलग से रखा हुआ है, ये वट पिसा हुआ घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसलिए ज़रा मोटा मोटा सा है। ये आवन दस्ते में मैंने अभी पीसा है क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ बाज़ार का पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। तो ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने इसलिए अलग से रखा हुआ है कि जब मैं ये मसाले पेस्ट बनाकर डाल दूँगी तो ये नहीं डालूँगी गरम मसाला, ये मैं अलग से डाल के गलने के बाद डालूँगी, ठीक है। और ये मैंने अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून लिया था। अच्छा, तरीका कुछ ये है हमारा कि ये जो मेरी चने की दाल है मैं इसको अलग से बॉईल करने रख दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल के गलने रख दीजिए, पर मेरी दाल बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है, काफ़ी फूल चुकी है, तो मैं इसको खाली बॉईल कर लूँगी। जस्ट इसको बॉईल करके गलाना है। अब चलें तो फिर अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राई पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी दो ये वाले चमचे सालन निकालने वाले चमचे ऑयल के। ऑयल गरम हो जाता है तो मैं इसमें प्याज फ्राई करती हूँ। और यहाँ ये मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिए अपने दाल बॉईल करने। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको ढक कर गलने के लिए रख दूँगी। पहले मैं बॉईल के लिए मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज को हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी ये प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, बिल्कुल इसी तरह गोल्डन ब्राउन रखना है हमें। और जब तक ये प्याज मेरी ब्राउन होती है तो मैं ये जो जितने भी मसाले हैं इसमें पानी मिलाकर पेस्ट सा बना लूँगी। मैं हमेशा पेस्ट बना के मसाले डालती हूँ, इससे ये होता है कि मसाले जलते नहीं हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करके वो फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करने से ना एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अदरक लहसुन की वजह से ना खाना ना थोड़ा सा क्या कहूँ मैं कि ना खुशबूदार बनता है। अदरक लहसुन ऐड करके जैसे ही हम अदरक लहसुन गरम गरम ऑयल में या प्याज में ऐड करेंगे तो वो थोड़ा बहुत उड़ता है और आपके हाथों को भी जलाने लगता है, इसलिए केयरफुली होके आप ये देखें, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कितना तेज़ी से ये ना उड़ रहा है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करना है। मेरा जो फ्लेम है अभी हाई है, मैंने फ्लेम लो नहीं करा है।
इसी फ्लेम पे करेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें तमाम मसालों का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से चलाएंगे, और चलाएंगे क्या, थोड़ा सा भून लेंगे कि थोड़ा सा जो हमारा ऑयल है ना वो बाहर आ जाए, यानी ऑयल निकल आए। ऑयल निकालना बस इसका मकसद ये होता है कि फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं और पानी डालकर गलने रख देंगे। मेरा ये तरीका है कि मैं थोड़ा सा कच्चे मसालों को तल लेती हूँ, या ये जैसे कि मैंने टमाटर में डाल के अच्छी तरह तला, ऑयल निकल आया, इससे मसालों का कच्चापन निकल जाता है, फिर मैं पानी ऐड करती हूँ। यहाँ मैं अच्छी तरह से इस मसालों के साथ टमाटर को, प्याज को, अदरक लहसुन को भून रही हूँ, एक तरीके से ये ग्रेवी सी बना रही हूँ। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 प्याली पानी डालेंगे और इसको इतनी देर तक गलाएंगे कि ये हमारा तमाम मसाला गल भी जाए और ना टमाटर सारे घुल जाए, प्याज हमारी गल जाए। एक चूल्हे पे मेरे ये मसाला गल रहा होगा और दूसरे चूल्हे पर मेरी दाल चढ़ी हुई है। दोनों चीज़ें एक साथ ही तकरीबन हो जाएंगी, 40 to 45 मिनट्स लगेंगे आपकी ये दोनों चीज़ें डन होने में दाल। लेकिन मेक श्योर कि आपकी दाल 2 घंटे अच्छी तरह से भीगी हुई हो। जितनी दाल भीगी हुई होगी उतनी ही दाल अच्छी गलेगी। अगर आप बग़ैर भीगी हुई दाल गलाएंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं गलेगी, बल्कि वो अकड़ जाएगी, उसको 2 से 3 घंटे पर लग जाएंगे। या मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पानी डाल के हम इसको गलने रख देंगे। यहाँ देख लीजिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, गल गया है। ये भुना नहीं है, ये सिर्फ वो जो मैंने पानी डाला था ये ड्राई हुआ है। इसको 45 मिनट्स लगे हैं पूरे, और मेरे टमाटर वगैरह सब बिल्कुल देखें कितना अच्छी कितना अच्छा सा ऑयल निकल आया है। ना प्याज दिख रही है, ना टमाटर दिख रही है। इन केस अगर आपके मसाले में प्याज टमाटर दिख रहे हों तो आप चमचा चला चला के उसे तोड़ती जाएँ, उसको दबा दबा के तमाम टमाटर को घुला दें। और यहाँ ये देखें मेरी वो चने की दाल कितनी अच्छी गली है, हाथ दबाने से बिल्कुल हलवा हो रही है। अच्छा, दाल इसी तरह गलाइएगा कि ना तो वो पूरी हलवा हो जाए, कि ना एक साथ जुड़ जाए, बिल्कुल घुली भी नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी और बिल्कुल प्रॉपर गली भी हो। इसमें जो मैंने अभी आपको दाल में एक्स्ट्रा पानी दिखाया था ये हम वेस्ट कर देंगे, इस पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये मसाला थोड़ा सा भूनेंगे, अगर कहीं हमारा टमाटर या प्याज थोड़ी बहुत खड़ी रह गई है तो चमचे की मदद से इस तरह से दबा दबा के इस मसाले को भून लेंगे, और उसके बाद इसमें दाल ऐड करके थोड़ी सी देर हम ना ढक्कन ढक के, थोड़ी सी देर मतलब 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें, ताकि जो मसाला हमने ये बनाया है ये दाल में अच्छी तरह से रच जाए, बस जाए, और दाल में इस मसाले का टेस्ट आ जाए। अभी आपने देखा होगा ये पानी हल्का सा गिरा है, ये दाल मैंने छानी है, ये उसी का पानी है। इसको अच्छे से मिक्स करें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप ना दम वाली आंच पे, दम से थोड़ी सी ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे आप इसको रख दें। और कोई मैंने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करा, क्योंकि पानी छानने के बावजूद दाल में थोड़ा बहुत पानी था, और टमाटर और जो मेरा ये जो मैंने मसाला अगले दूसरे पैन में बनाया हुआ था ये भी थोड़ा सा गीला था, बिल्कुल नहीं भुना था, तो ये दोनों चीज़ें इस तरह गल जाएंगी आपस में ना, इन दोनों रच बस जाएंगे। और ये वही गरम मसाला जो मैंने अलग से 1 टीस्पून रखा हुआ था ये छिड़क के मैं इसको ढक के रख दूँगी। मसाला घर का पिसा हुआ मसाला है, इसलिए सिर्फ 1 टीस्पून जा रहा है। घर का जो गरम मसाला होता है वो टेस्ट उसका बहुत स्ट्रांग होता है बनिस्बत बाज़ार के पिसे हुए गरम मसाले में। अगर बाज़ार का पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं आप लोग तो 2 टीस्पून डालिएगा। यहाँ मैं इसको ढक दूंगी और दूसरे और नेक्स्ट जो बहुत इसका इस दाल का जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कह लो या वो कह लो रोल कह लो वो ये है कि हम इसमें डालेंगे एक तड़का। तो तड़का डालने ये मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन तड़का तो घी से ही अच्छा लगता है।
तो 4 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया और इस घी में कुछ भी नहीं डालना है मुझे, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये जो मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी हरी मिर्चें काटी थी वो मैं रख रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इस पर अदरक छिड़क दूँगी। इसके ऊपर आप जब गरम गरम घी का तड़का डालेंगे ना, उफ़ो, आपकी दाल में जो खुशबू, जो अरोमा निकल के आएगा, तो आप वाकई याद करेंगे कि क्या रेसिपी दी है। तो फिर यहाँ दूसरे चूल्हे पे मेरा ये घी गरम हो रहा है। ये घी जैसे ही मेरा गरम हो रहा है, होने लगा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें डाल दी। अगर तलहार मिर्च का पाउडर हो ना, कश्मीरी तलहार मिर्च का पाउडर अगर वो हो तो वो डालेंगे ना, तो उससे और रेड कलर आएगा। लाल पिसी हुई मिर्चें तेल में डालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा ये जो घी का तड़के का घी है ये अच्छा सा लाल हो जाए। अब ये देखें कितना खूबसूरत कलर भी आ गया और मेरी ये दाल पककर रेडी हो गई है। सिर्फ़ अब खाने की देर है। इसको नान के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है, चपातियों से भी अच्छी लगती है, लेकिन तिल वाले रोगनी नान हो और ये वाली दाल हो, उफ़ माशाल्लाह, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, उससे अच्छी तो खाने में लगेगी ये। अच्छा, तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।